आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर सेल दुर्गापुर प्लांट की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर मंथ में एक लिस्ट जारी हुई थी। अभी भी कैंडिडेट्स को मेल आया है एंड फाइनली जिनका अक्टूबर में यहाँ पे कॉल लेटर जारी हुआ था डीवी का एंड मेल के माध्यम से मंगाया गया था, उन्हें यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग के लिए जो है मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपने भी यहाँ पे डीवी करवाया था या अभी आपका मेल आया है, आप अब डीवी के लिए मेल कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए किस तरह से ज्वाइनिंग का यहाँ पर मेल आता है एंड क्या क्या चीज़ें लेके आपको जाना होगा, कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, वो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने सेल डीएसपी में अपना डीवी कराया है या अभी आपको डीवी के लिए मेल आया है या नहीं। यहाँ पे एक 51 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट है उनकी लिस्ट भी है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर उसमें आपका नाम होता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे रोशन सिंह चौधरी जी ने मेल हमको फॉरवर्ड किया, अर्जेंट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग रिपोर्टिंग एट सेल। देखिए, जब भी ऐसा रिपोर्टिंग यहाँ लिखा है, डीवी नहीं लिखा है, ठीक, रिपोर्टिंग लिखा है, क्योंकि डीवी यहाँ पे मेल के माध्यम से हुआ है। इसमें क्या लिखा गया, दिस इज रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट। यू हियर बाय एडवाइज टू रिपोर्ट एट सेंटर फॉर LND, सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दुर्गापुर स्टील प्लांट दिस फॉर कंप्लीशन ऑफ योर एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज एज पर द फॉलोइंग डिटेल। देखिए, यहाँ एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज कह रहा है, मतलब ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी बोलते हैं उसको, अप्रेंटिसिप में उसको एंगेजमेंट बोलते हैं, नौकरी में उसे ज्वाइनिंग बोलते हैं। इस अर्जेंट नोटिस में और क्या लिखा है कि आपको अपना ये सारी चीज़ जो है क्लियरली वेरीफाई कर लेनी है अपनी प्रोफाइल में, सब कुछ सही है विद योर कॉन्ट्रैक्ट पेपर डेटा। अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, ध्यान दीजिए यहाँ कुछ चीज़ें आप समझिए, अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप क्या करिए, एक लीगल एफिडेविट बनवाइए स्टाम्प पेपर पे, उसको जस्टिफाई करते हुए, और उसे सबमिट करिए अपनी डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे, जो कि क्या है, 12 नवंबर 2024 है। 12 नवंबर 2024 को 10 बजे सुबह वहाँ रिपोर्ट करना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर 12 को ना कर पाएँ तो क्या करें। देखिए, अगर आप 12 को ना कर पाएँ 13 को कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए जल्दी से जल्दी वहाँ रिपोर्ट करिए। रीज़न हम इसलिए कह रहे हैं 13 को आप कर लीजिए रिपोर्ट, क्योंकि जो ट्रेनिंग है स्टार्ट करने वाले, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी 18 नवंबर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 नवंबर तक अगर आप वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन करेंगे 18 को, तो आप 12 को वहाँ करा के आ भी सकते हैं, या एक दो दिन आपका टाइम लगेगा फॉर्मेलिटी, फिर आप 18 से वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें पहले से अपनी तैयारी के साथ जाएँ और वहाँ पर 18 से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो फॉर्म ए ओरिजिनल कॉपी में, फिर Annexure 1 ओरिजिनल कॉपी, Annexure 2 ओरिजिनल कॉपी, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपी, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। देन ITI की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, ऑफर लेटर जो आपको 26 अक्टूबर को इशू हुआ था उसकी 2 कॉपी, ठीक है, जिनको 26 अक्टूबर को हुआ था। कुछ कैंडिडेट्स को अभी 7 या 8 तारीख को हुआ है, 9 को हुआ है, वो अपना वाला ले जाएंगे जब उनको बुलाया जाएगा। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट पेपर 2 कॉपी ओरिजिनल प्रिंटआउट में, ठीक है। पैन कार्ड आपका ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, फ्रंट पेज लेना ले जाना है बैंक पासबुक का, ठीक। पे मास्टर फॉर्म इज अटैच्ड, पे मास्टर फॉर्म एक अटैच हुआ, उसकी 2 कॉपी आपको निकाल लेनी है। उसमें टिकट नंबर भी दिया हुआ है, लिस्ट दी गई है, उसका आपको प्रिंटआउट जरूर निकाल लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल योर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 18 नवंबर को 9 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग। 12 नवंबर यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, अगर आप 12 को ना पहुँच पाएँ तो 13 तक जरूर पहुँच जाइए, एंड 12 को ना पहुँचने वाला कोई आप अपना जो भी असुविधा आपको हुई हो उसका आपको कुछ ना कुछ प्रूफ भी ले जाना होगा, या आप चाहें तो ये नंबर्स दिए गए इन पर आप ऑफिशियल टाइम में कॉल कर सकते हैं अगर किसी रीजन से कुछ आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए लिस्ट देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। बाकी जो फॉर्म ए एंड और सब की बात हुई थी ना, ये वही है जो आपने डीवी के टाइम मेल से भेजा हुआ था, फॉर्म ए Annexure 1 Annexure 2, ठीक है। उसका आप जो फोटोकॉपी आप भेजे थे वही सेम आपने जो भर के रखा हुआ है, अब उसको आपको लेके जाना है। जिनका अभी आया हुआ जो आप मेल कर रहे हैं उसको आप सुरक्षित रखिएगा, उसे आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप देखें लिस्ट में तो इसमें टिकट नंबर आपको मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, साथ में आपका ट्रेड और आपका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा, लिस्ट हम टेलीग्राम पे कहेंगे शेयर कर देंगे। वैसे अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, डीबी आपने कराया होगा, तो आपको इस तरह से लिस्ट जो है मेल आई होगी। इसमें कुल 51 कैंडिडेट्स के नाम है, 51 कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हैं, वेल्डर है, MMB ट्रेड है, मशीनिस्ट है, फिटर है और इलेक्ट्रीशियन है, ठीक।
बाकी अभी 9 तारीख को जो मेल आया उसमें और कैंडिडेट्स जाएंगे। यहाँ आप देखिए, ये आपका जो एक लेटर यहाँ पे है, ये आपका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेटर कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन है एक तरह का ज्वाइनिंग का। इसमें आपका डिपार्टमेंट कोड, ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्टार्ट डेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें आपको ब्लॉक लेटर में यहाँ पे फिल करनी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑफर लेटर, पैन कार्ड, फ्रंट पेज बैंक पासबुक और आधार कार्ड, यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको इसके साथ लगानी है। साथ में लिस्ट का प्रिंटआउट ले लीजिएगा। बाकी ऊपर हमने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए, जो मेल में लिखा हुआ है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहाँ पे 12 नवंबर को रिपोर्ट करेंगे। एंड इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, 18 से आपकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग को आप करेंगे। स्टील प्लांट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टील प्लांट में कई बार परमानेंट जॉब आती है, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी बराबर होती है। जैसे अभी करंट में आप देखें तो NSCL में वैकेंसी आई है, ऐसी और भी जॉब आती है जिसमें ITI के साथ 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी रहती है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहता है। उन सब जगहों पे आप फॉर्म भर पाएंगे अप्रेंटिसशिप करने के बाद। ठीक है, यही आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपका कोई डाउट हो इस रिपोर्टिंग मेल के रिगार्डिंग तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपका रिप्लाई करते हैं। ये ऑफिशियल मेल ID हमारी techstudyiti@gmail.com। कुछ भी आपका डाउट हो, कोई आपके पास ऐसी अपडेट आए, उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।